आज है 25 अप्रैल 2022, और 25 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार। हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन अजय कुमार ने किया है, यह रक्षा सचिव है। प्रॉक्टर एंड गेबल इंडिया के नए CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, LV वैद्यनाथन। LV वैद्यनाथन प्रॉक्टर एंड गेबल इंडिया के नए CEO बने हैं। LV वैद्यनाथन मधुसूदन गोपालन का स्थान लेंगे। प्रॉक्टर एंड गेबल एक अमेरिका बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1837 में हुई थी। मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। पिछली टॉप कंपनियों के CEO। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO राज सुब्रमण्यम बने हैं। विमानन कंपनी जेट एवरेज के नए CEO संजीव कपूर बने हैं। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO शेर सिंह भी ख्यालिया बने हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए CEO प्रशांत झावेरी बने हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजाइन के नए CEO अभिषेक सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैट्रिक आर्ची। पैट्रिक आर्ची आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट के बारे में जानकारी, आइवरी कोस्ट कोटे की आइवर के नाम से जाना जाता है। आइवरी कोस्ट पश्चिम अमेरिका के तट दक्षिण तट पर स्थित एक देश है। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामो सुक्रो है। आइवरी कोस्ट की मुद्रा अफ्रीकी फ्रेंक है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन ओटारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अतुलनीय भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई में पहली बार अतुलनीय भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पतन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के केंद्र रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बेलवीडी इलेक्ट्रिक इंक कंपनी द्वारा भारत के तेलंगाना राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। यह फैक्ट्री 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इस फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू हो जाएगा, और 2,40,000 इलेक्ट्रिक वाहन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 200 एकड़ की बड़ी सुविधा को वर्ष 2024 में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी JCB की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बड़ोदरा गुजरात। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ोदरा में ब्रिटिश कंपनी JCB की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह JCB का भारत में छठा प्लांट होगा। ब्रिटिश PM के इस दौर का उद्देश्य भारत के
साथ संबंधों को मजबूत करना और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिर्देशक बने हैं। पिछली टॉप नियुक्तियां करंट अफेयर्स रिवीजन, थल सेना के उत्तरी कमान के कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। भारत के नए आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख जी एवी रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुरू की गई है। इस बस का उद्घाटन ब्रह्मोस बिजली आपूर्ति और परिवहन द्वारा किया गया है। यह भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। इस बस सेवा टिकट के लिए बस काउंटर की जगह एक यूनिक टैप इन टैप अकाउंट आउट फीचर दिया गया है, जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचार का उपयोग करना, नए निर्णय लेना और रचनात्मक सोच के लिए प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को उच्च गुणवत्ता की मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान के लिए डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार, या केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सुविधा प्रदान करना है। डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। हर वर्ष 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौती जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण आदि के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।